हाँ इधर कर ले रहा फोटो ना सामने देख लेता वेट वेट इनको ना यहाँ पे सर इधर अरे एक्स्ट्रा बात है मोमेंटो मोमेंटो संगीता मोमेंटो हो गया सॉरी चलो रोल आज आप काफी खुश दिख रही हो क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ बिकॉज़ आई एम बैक बहुत दिन के बाद बैक हो जिम पे राखी जी का न्यू लुक कैसे लग रहा है मेरे नहीं क्या कुछ वो तो पूरे लुक्स में मेरी फेवरेट क्या कुछ प्लान किया है राखी के लिए स्पेशल राखी जी आपसे गुस्सा थी क्या राखी जी दिल्ली गई थी आपसे मिलने के लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार किया मुझे राखी जी तो आज उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया आपने नो कल या परसों हम डिनर में जा रहे हैं बिल्कुल समर और हम दुबई भी जा रहे हैं 27 को ओके राखी जी ने आपके को फूल बरसाए को कैसा लगा उसको वेरी रोमांटिक आज तक मेरे पे कोई ऐसा नहीं किया राखी जी आपसे मेरा सवाल है जी जब आदिल सर को मालूम पड़ा कि बिग बॉस में शादी करने वाली हो आदिल जी के साथ तो आदिल जी का क्या रिएक्शन था अभी उन्हें पता नहीं मैंने तो बिग बॉस को रिक्वेस्ट किया सलमान भाई को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा निकाह बिग बॉस में ही करा देना अगर हम गए तो अभी तक मेरे को नहीं बताया इनको नहीं मालूम फैंस की डिमांड पूरी हो जाएगी क्या अगर अगर बिग बॉस बोले आदिल अगर बिग बॉस बोले क्या आप दोनों बिग बॉस के अंदर निकाह करने के लिए तैयार है और सलमान भाई भी बोले क्या राखी के साथ आप शादी करने के लिए तैयार है बिग बॉस में तो क्या रिएक्शन होगा आपका जब मोमेंट आएगा तब बताऊंगा ऐसा थोड़ी होता है मोमेंट आ गया मैं बताता हूँ तो देखो एक बात बताना चाहता हूँ आई लव इनफाइनाइट प्यार तो मैं इनफाइनाइट करता हूँ उनसे ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट टू मैरी ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता थोड़े लोग बोलते हैं मैं प्यार नहीं करता वो नहीं करता ऐसा नहीं है दिखाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट नो लव दिखाना हर बार इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट प्यार का एंड शी नोज इट आई लव हर जान प्यार का एंड तो शादी होती है ना घर बसाना होता है डेफिनेटली करेंगे बेबी डेफिनेटली करेंगे बट नॉट सो सून बट बिग बॉस मेरा माई बाप है बिग बॉस सलमान खान मेरा दूसरा मेरा मैका है मेरा सब कुछ है अगर वाई नॉट मुझे ऐसा लगता है कि जब बिग बॉस अगर हमारे निकाह करा देंगे तो तुम्हारे फैमिली को भी बुलाएंगे ना घर में वाई नॉट जान वेरी नाइस मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी घर का कल का सरप्राइज बहुत अच्छा किसी ने नहीं किया मुझे आई मैं टोटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दैट शी विल कम लाइक दैट एंड डू दैट टू मी It was very, very nice. ऐसा किसी ने नहीं किया. I am very thankful to her. She did that too. Thank you. आमिर खान की बेटी का भी लव स्टोरी चालू है हीरा खान जी का तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सॉरी मुझे दूसरों के मेरी लव स्टोरी में मैं खोई हुई हूँ दूसरों के लव स्टोरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डोंट आस्क मी बिकॉज मैंने बहुत आंसू बहाए हैं आदिल के लिए सॉरी अरे मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी डोंट वरी आज तो काफी चेहरा ग्लो कर रहा है हाँ इन्होंने बहुत प्यार किया है मुझे इसलिए सोशल मीडिया बहुत मायने रखता है आपको सेलिब्रिटी बनाता है आपको दुनिया में एक नाम देता है आपको काम देता है सोशल मीडिया में अगर आप रहते हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स होती है आपको लोग जानने लग जाते हैं और आपके ब्रेड एंड बटर स्टार्ट हो जाते हैं मेरे लिए सोशल मीडिया सब कुछ है तो उनके पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए होंगे मेरे ख्याल से अदनान स्वामी तो असली मछली के जूते पहनते हैं अगर असली मगरमच्छ के जूते पहनते हैं उनके एक जूता ही 20-20 लाख का है तो उनको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग हम जैसे स्ट्रगलरों को सोशल मीडिया की ज़रूरत है हम आपके द्वारा जनता तक पहुँचते हैं और हम ब्रांड बनते हैं फिर वो एज अ ब्रांड फिर जनता हमें बुलाती है यू नो दे गिव अस अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और हम उनके ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो मीडिया ही हमें सेलिब्रिटी बनाती है ताली दो हाथ से बजती है हमारे थ्रू भी मीडिया बूम करती है और मीडिया के थ्रू हम बूम करते हैं आदिल बात क्या कहना चाहिए अदनान स्वामी के बारे में नहीं देखो फ्रॉम द डे वन वो तो मेरे को एक्सप्लेन करते हैं सोशल मीडिया क्या है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड शी टेल्स कि सोशल मीडिया मेरी फैमिली है डू यू रिमेंबर यू टोल्ड मी दिस टू टाइम्स सोशल मीडिया पहले आपको कोई नहीं जानता था
बट नाउडेज इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से आपको बताओ कि मैसूर में क्या हुआ, बैंगलोर मैसूर में एयरपोर्ट में फ्लाइट पकड़ ले मेरे को लोग पूरा, जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में पहुंचा देर लॉट ऑफ चार पांच लोग भाग के आ रहे थे सेल्फी के लिए फोटो के लिए। मैसूर में भी हुआ, एक नॉर्मल मॉल में गया था मैं फोरम मॉल, तो उधर भी लोग आए थे, सात आठ लोग आए थे पकड़ लिए। मुझे तुरंत बोला राखी सबने मेरी सेल्फी ली फ्लाइट में यहाँ वहाँ हर जगह, तो मैंने कहा यार लोग तुम्हें पसंद करते हैं। कबारे कबारे पूछे, मैं बोला 10th के बाद आएंगे, शेड्यूल है उनका उसके बाद आएंगे। बहुत लोग, सब लोग तो यही पूछते हैं राखी मैम कहाँ हैं, उनको कब ला रहे हो, मैसूर की बहू को कब ला रहे हो, ऐसा पूछते हैं मुझे। तो ले जाओ ना, मैं काम मना कर रही हूँ। ऐसे ही बोलते हैं ले जाओ उसके बाद एंड टाइम में बोलते हैं काम है ये है वो है वो है ये, उस टाइप का नहीं, परमानेंट ले जाओ शादी करके सर्टिफिकेट के साथ। परमानेंट तो मैसूर में रहोगी, तुम रहोगी मैसूर में परमानेंट? वैसा नहीं, शादी तो करो ना, बाद में हम डिसाइड करेंगे मुंबई में रहना है कि मैसूर में रहना है, समझ रहे हो? ले जाने की हिम्मत तो रखो, है ना, मर्द है जो मुझे देता दर्द है। गाड़ी पुरानी है, बॉम्बे में अभी आई है। ओके थैंक यू, फोटो मार ले एक एक मिनट इसको रुको। ओह नाइस कोच, थोड़ा पीछे आओ। अरे दादा तो पूरा सोनी को आप लोग मुझे पूछते हो शादी शादी शादी, अगर कोई इंसान मतलब ही होता है ना तो बोल देगा ठीक है करके, चार महीने तीन महीने में शादी हो जाती है क्या? कल का दिन डिफरेंसेस आते हैं, ऐसा होता है क्या? शादी ऐसा नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल मैं सेलिब्रिटी बन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूँ कल चलो कल शादी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बोलूंगा नहीं मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, लाइफ तो ऐसी नहीं होती ना, इसीलिए मैं हर बार तुम लोगों को बोलता हूँ वक्त दो वक्त दो वक्त दो। आई शुड नो हर, लोग तो चार चार पाँच पाँच साल डेट करते हैं, नहीं करते क्या? आप जवाब दो मुझे। बराबर अभी तो दो महीने हर बार आप मुझे पूछते हो, हर बार आप मुझे बोलते हो कब करोगे कब करोगे, मैं बोल दूंगा। अभी तो कानून कितना खराब हो गया है, कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रहेंगे तो लड़की अब किसी लड़के पे ब्लेम भी नहीं कर सकती, यू नो ना, आप शादी कर सकते हैं। और मैं फॉल्स कमिटमेंट भी देना नहीं चाहता, मैं बोल दूंगा कल करूंगा, कल आप मुझे पूछोगे आज तक तारीख क्या बताऊंगा मैं, फिर बोलूंगा कल तारीख जब बोलेंगे अनाउंसमेंट करेंगे तब ब्लॉग हो गया ऑफिशियल, एवरीबॉडी विल बी इनवाइटेड विद देयर फैमिली। यस वादा करो, वादा 100% अभी तो बोला सबको तो बोला सी। हां मेरा आदिल मुझे धोखा नहीं देगा, दैट इज फॉर श्योर। एक किस बनता है आदिल भाई को?